प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सिस्टम यूनिट के बारे में, जो है हम पढ़ रहे थे कि सिस्टम यूनिट में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो हमने मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि मदरबोर्ड में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली जो है वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था कि आपका सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और सारी के सारी आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, वो आपकी सारी की सारी सीपीयू में हो रही होती है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है और ये किस तरह से यूज होती है आपके कंप्यूटर में। मेमोरी का मेन पर्पस ये होता है कि ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है आपके कंप्यूटर में। आपको जो प्रोसेसर होता है वो वर्क कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो आप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है आपके प्रोसेसर को रिक्वायर होता है कि मुझे एक स्पेस मिले जहां पर मैं अपने डेटा को जो है वो स्टोर कर सकूं। तो मेमोरी जो है वहां पर वर्क करती है, मेन मेमोरी जो है आपकी वर्क करती है कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी होती हैं। आपको पता है कि जब भी आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में जो है कोई इंस्ट्रक्शंस को या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होता है तो वो आके आपका लोड होता है मेमोरी में। तो सेम जो है आपका जो वो प्रोग्राम है वो आके मेमोरी में लोड होता है, वहां से जो इंस्ट्रक्शंस को जब एग्जीक्यूट होना होता है तो वो मेमोरी से एग्जीक्यूट होती हैं सीपीयू में, या मेमोरी से उसको असाइन कर दिया जाता है सीपीयू। अब सीपीयू क्या कर रहा होता है, सीपीयू आपका ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डेटा होता है वो मेमोरी पे जो है वो सेव करवा रहा होता है। उसके अलावा जब आपको रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं तो रिजल्ट जनरेट जो हो रहे होते हैं वो रिजल्ट भी आपका जो सीपीयू है वो स्टोर करवा रहा होता है आपके प्राइमरी मेमोरी में। तो इट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एक प्रोसेसर नीड अ प्लेस टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, आपके जो प्रोसेसर होता है उसको स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे वो अपना डेटा और इंटरमीडिएट जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको स्टोर कर सके। तो मेमोरी के ऊपर जो है आपकी जो मेन मेमोरी होती है उसके ऊपर आकर उस डेटा को वो स्टोर कर रहा होता है। अब इसके अंदर स्टोरेज किस तरह से हो रही होती है, आपकी जो मेन मेमोरी होती है आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपकी कंसिस्ट करती है थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर। इसके अंदर जो है सारा आपका जो रैम होती है वो सेल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक जो आपका सेल होता है वो 1 बिट को स्टोर करता है, उसमें या तो वैल्यू पड़ी होती है 0 या आपकी वैल्यू पड़ी होती है 1। 0 एंड 1 जो है मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को जो है वो अंडरस्टैंड करता है 0 एंड 1 के फॉर्म में वो अंडरस्टैंड करता है। तो आपकी जो मेमोरी है वो कंसिस्ट करती है थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर, और हर सेल के अंदर जो है उस आपकी वैल्यू स्टोर होती है 0 एंड 1 की। डेटा इन मेमोरी स्टोर इन ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स, ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस इन मेमोरी। तो मेमोरी में जो आपके बिट्स होते हैं, बिट्स आपके जो बिट्स होते हैं 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, और एक बाइट का जो है आपके मेमोरी में जो है एक यूनिक एड्रेस होता है। अब अगर आपको आपके सीपीयू को जब डेटा रिट्रीव करना होता है तो वो उस बाइट का एड्रेस देता है, उस बाइट के एड्रेस से जो है फिर वो डेटा को रिट्रीव किया जाता है मेमोरी में से। इसके अलावा जो है आपकी जो मेमोरी होती है इसको आप डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है जब उसको एड्रेस एलोकेट करता है उस किसी भी स्पेसिफिक बाइट का, तो उसको डायरेक्टली जो है उस बाइट की एक्सेस दे दी जाती है। सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना होता, आपको मेमोरी के उस बाइट की डायरेक्ट एक्सेस दे दी जाती है। ये इमेज में जो है इसकी वर्किंग दिखाई हुई है कि किस तरह से ये बाइट्स की फॉर्म में जो है आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है मेमोरी में। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है वो हमारी मेमोरी जो है वो 2 तरह से जो है हमारे पास मेमोरी होती है। नंबर 1 है आपके पास वोलाटाइल मेमोरी, सेकंड है आपके पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल क्या होता है हमारे पास, वोलाटाइल हमारे पास एक ऐसी मेमोरी होती है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसका कंटेंट जो है
स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टोर रहता है, उस स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है आपका डाटा जो होता है वहां से लॉस्ट हो जाता है। तो ये लॉस्ट हमारा तब होता है जब आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन होता है। ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा टेम्पोरेरली और हिज कॉन्टेंट लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो आपकी स्टोर रहती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, उस स्पेसिफिक टाइम के बाद जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो उसमें से जो डाटा आपका स्टोर होता है वो रिमूव हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी आपके पास कहलाती है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी की जो आपके पास एग्जाम्पल है वो है आपका आपकी रैम। आपकी जो रैम होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। हमारे पास जो अनदर कैटेगरी है मेमोरी की वो है हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर में वर्क कर रही होती है एज ए मेमोरी, मेमोरी के तौर पे वो वर्क कर रही होती है, लेकिन जो उसका डाटा होता है, जो उसके अंदर कंटेंट स्टोर होता है हमारा, वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है, वो डिलीट नहीं होता जब आपका कंप्यूटर शट डाउन कर दिया जाता है। तो आपके पास जो एग्जाम्पल है नॉन वोलाटाइल मेमोरी की वो है आपके पास रोम। रोम जो है वो आपके पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी के तौर पे यूज होती है। अब सबसे पहले जो है हम रैम को डिस्कस कर लेते हैं कि रैम हमारे पास एक्चुअली में होती क्या है। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी एब्रीवेशन आपके पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप जो है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं कि आपके अंदर कि आपके जो रैम में जो स्टोरेज हो रही होती है डाटा की, जो कंटेंट उसमें स्टोर हो रहा होता है वो स्टोर हो रहा होता है इन टर्म्स ऑफ बाइट। बाइट्स की फॉर्म में जो है आपका डाटा जो है रैम में पड़ा हुआ होता है। सीपीयू को जब भी कोई यूज करना होता है कोई डाटा, किसी डाटा को वो रिट्रीव करना चाह रहा होता है आपका सीपीयू, तो सीपीयू जो है उस स्पेसिफिक बाइट का एड्रेस देता है और उस स्पेसिफिक बाइट से जो है आपको डाटा फिर वो सीपीयू को रिट्रीव कर दिया जाता है। सीपीयू जो है उस स्पेसिफिक बाइट की एक्सेस ले लेता है। इट इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोरेरली। तो रैम के अंदर आपका जितना भी डाटा स्टोर होता है वो आपका टेम्पोरेरली स्टोर होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टोर होता है। उसके अलावा जो है आपके प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में कोई भी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती हैं वो आके आपके रैम में जो है वो लोड होती हैं। रैम को जो है आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या आप इसको मेन मेमोरी भी रैम को ही कहते हैं। अब इसका एक और नाम है आपके पास जो रैम है इसको आप रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। रीड एंड राइट मेमोरी इसको क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपके रैम में जो है वो स्टोर होती हैं, जिन जो कि आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अब जब वो एग्जीक्यूट हो जब उन्होंने रीड हो रही होती हैं तो आपके जब सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो वो आकर जो डाटा आपका पड़ा हुआ होता है रैम में वो वहां से आकर उस डाटा को रीड करता है। रीड करने के बाद जो है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद जो आपकी आउटपुट होती है जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो अगेन जो आपका सीपीयू है वो रैम में उसको स्टोर कर देता है। तो इसलिए आपके पास जो रैम है इसको आप रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। अब रैम की वर्किंग क्या है आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर्स में, रैम के ऊपर आपके डिपेंड कर रही होती है प्रोसेसिंग स्पीड। आपके प्रोसेसर की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है आपके रैम आपकी रैम पे। तो आपकी रैम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है आपके प्रोसेसिंग की स्पीड जो है उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। इस वक्त जो हमारे पास रैम्स यूज़ हो रही हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में या आपके लैपटॉप्स में जो आपके पास रैम यूज हो रही है वो आपके पास 4 to 8 GB साइज में अवेलेबल है। अब रैम की जो है आपके पास फर्दर कैटेगरीज हैं, हम उन कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन जो आपके पास रैम है वो आपके पास है डी रैम। इट स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके पास जो है इसकी एब्रीवेशन है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके पास यूज होती है सबसे ज्यादा
कंप्यूटर्स में जो है, आपके जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें आपके पास यूज हो रही है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके पास यूज हो रही है, ये आपकी जो है लेस एक्सपेंसिव होती है, इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। अब इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि आपकी जो रैम है, जो आपके पास डी रैम होती है, इसके अंदर जो आपका डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल स्टेट्स में सेव होता है, कि आपको उसमें जो डेटा होता है उसको आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज रखना पड़ता है। कहने का पर्पज ये है कि आपका डेटा डी रैम में स्टोर रहता है जब तक आप उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे ही आपकी रैम में इलेक्ट्रिकल चार्ज डिक्रीज होता है तो आपका जो डेटा होता है वो उसमें से लॉस्ट हो जाता है। और जब आपकी ये प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोवाइड कर किया जाता है या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रही होती है आपकी डी रैम, तो उस चार्जिंग के दौरान जो है आपका प्रोसेसर जो है आपकी रैम को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इस लिहाज से जो है आपकी जो डी रैम है ये स्लो होती है। तो दिस इलेक्ट्रिकल चार्ज डिक्रीज विद द टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। तो जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये डिक्रीज होता है तो आपका जो कंटेंट होता है जो डी रैम में स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। सो देयर इज अ नीड टू रीचार्ज अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डेटा। तो डी रैम में आपको डेटा को स्टोर रखने के लिए जो है आपको कॉन्टिन्यूसली जो है उसको चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है। ये आपके पास इसका ड्रॉबैक है डी रैम का, कि आपके पास जो डी रैम होती है उसके अंदर डेटा आपका सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक आप उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसमें से खत्म होता है, लॉस्ट होता है, तो जो उसका डेटा है उसमें से आपका डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है। और प्लस आपका जो आपको जब वो उसको चार्जिंग कर रहे होते हैं या जब उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए, उस दौरान आपके सीपीयू को जो है वो वेट करना पड़ता है, आपके सीपीयू को जो है एक्सेस नहीं प्रोवाइड की जाती डी रैम की, तो इसलिए आपके पास जो डी रैम होती है ये स्लो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम है इसकी, कि आपको जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज इसको जब तक प्रोवाइड किया जाता है तब तक डाटा स्टोर होता है। स्लोअर है आपके पास, स्मॉलर इन साइज है, लेस एक्सपेंसिव है एंड लेस तो ये आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हैं आपके पास डायनामिक रैम की। अब डायनामिक रैम के बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं एस रैम के बारे में। एस रैम हमारे पास, इट स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके पास। इसमें और डी रैम में फर्क ये है कि आपको उसमें जो है वो बहुत ज्यादा उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या जो आपके पास ये एस रैम है ये आपकी फास्ट होती है डी रैम से। आपकी फास्ट किस तरह से होती है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में या एस रैम में आपको फ्रिक्वेंटली चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, फ्रिक्वेंटली जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए आपका जो एस रैम आपकी जो एस रैम है ये फास्टर होती है आपकी डी रैम से। इन दिस टाइप देर इज नो नीड ऑफ फ्रीक्वेंट चार्जिंग टू स्टोर द डेटा। आपको डेटा का स्टोर करने के लिए एस रैम में जो है फ्रीक्वेंटली उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दैट इज वाई इट इज फास्टर देन डी रैम। तो आपके जो एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है नंबर वन पे उसको ज्यादा जो है फ्रिक्वेंटली चार्ज नहीं करना पड़ता डेटा को मेंटेन रखने के लिए। डी रैम में आपको कॉन्टिन्यूसली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, उसको कॉन्टिन्यूसली जो है चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती थी या उसको रिक्वायर होता था उसको कॉन्टिन्यूसली चार्जिंग की। आपके जो एस रैम में जो डेटा होता है उसको कॉन्टिन्यूसली जो है चार्जिंग रिक्वायर नहीं होती, प्लस जो है उसको जब कॉन्टिन्यूसली चार्जिंग रिक्वायर नहीं होती उसके अलावा ड्यूरिंग जो है चार्जिंग जो है अगर आपका सीपीयू को रिक्वायर होता है रैम को यूज करना, तो एस रैम की एक्सेस जो है
अलाउ कर दी जाती है, तो इसलिए आपका जो एस रैम, आपकी जो एस रैम है ये फास्टर है एज कम्पेयर टू डी रैम। अब क्योंकि आपका जो डी रैम है उसको आपको कॉन्टिन्यूसली चार्जिंग कर रहे थे, तो आपको जो एस रैम है ये आपके पास लेस पावर रिक्वायर करता है देन डी रैम, बट मोर एक्सपेंसिव। एस रैम आपकी फास्टर है इसलिए आपके पास जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड ए वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी। आजकल आपके पास एक मेमोरी की और टाइप है, वो होती है आपके पास कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है आपकी फास्टर मेमोरी होती है, तो इसलिए आपके जो एस रैम है ये हमारी यूज होती है कैशे मेमोरी बनाने में, और ये भी आपके कंप्यूटर्स में जो है वो यूज हो रही होती है। तो एस रैम जो है आपकी एज ए कैशे मेमोरी जो है वर्क करती है। एस रैम के बाद जो है आपके पास एक और कैटेगरी है रैम की जो हमारे पास वर्क कर रही है। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं कि आपका जो आपकी जो एस रैम होती है ये लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, नो नीड टू रिफ्रेश, फास्टर होती है, यूज एज कैशे मेमोरी है, लार्ज साइज है, एक्सपेंसिव है एंड हाई पावर कंजम्पशन है। उसके बाद जो है हमारे पास एम रैम है। एम रैम स्टैंड फॉर मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपके पास अनदर कैटेगरी है रैम की जो कि हमारे पास एम रैम है। इससे पहले जो आपके पास दो रैम्स थी, एक आपके पास डी रैम थी और एक आपके पास एस रैम थी, उन दोनों रैम्स में जो है आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू जो है आपके डाटा को जो है वो सेव किया जा रहा होता है था, या उसके डाटा को जो है लॉस्ट होने से बचाने के लिए उसको इलेक्ट्रिकली चार्जिंग की जा रही थी। लेकिन जो आपकी एम रैम है इसमें आप मैग्नेटिक चार्ज के थ्रू जो डाटा है उसको स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी में। तो हमारे पास जो एम रैम है ये आपके डाटा को स्टोर करती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज के, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक चार्ज के थ्रू जो है डाटा को स्टोर करवा रही होती है, तो आपके पास जो एम रैम होती है इसको लेस पावर रिक्वायर्ड होती है देन एनी अदर रैम टेक्नोलॉजी। तो आपकी जो एम रैम होती है इसको लेस जो है पावर चाहिए होती है एस रैम से भी और डी रैम से भी। सबसे ज्यादा आपके पास जो एम रैम यूज हो रही है ये यूज हो रही है आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स में, या आपके जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होती हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे होते हैं उन कंप्यूटर्स में, क्योंकि वो उनकी जो पावर के ऊपर आपके वर्क कर रहे होते हैं बैटरीज के ऊपर, तो बैटरीज के ऊपर जो वर्क कर रहे होते हैं तो जो एम रैम होती है इसको जो है कम रिक्वायर्ड होती है पावर, पावर उनको कम रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे ज्यादा आपके जो एम रैम है ये यूज हो रही है आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स में, या जो आपके जो लैपटॉप्स होते हैं ये वर्क कर रहे होते हैं आपके एम रैम के ऊपर। ये वर्क किस तरह से कर रहे होते हैं आपने कभी नोट किया होगा कि आप जब लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं तो आपका लैपटॉप जो है आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाती है, ये आपका सडनली जो है आपका लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो जाता है। जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, चार्जिंग करते हैं उसको, ऑन करने के बाद आप ये नोट करते होंगे कि आपका आपका जो लैपटॉप है वो वहीं से जो है वो ओपन होता है जहां पे आपने क्लोज किया होता है। इट मींस कि आपके जो लैपटॉप्स हैं उसमें आपके पास एम रैम यूज हो रही होती है। एम रैम क्या कर रही होती है कि इवन आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया है, किसी बैटरी आपकी डाउन हो गई थी तो आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप में चला गया था या हाइबरनेट में चला गया था, लेकिन जैसे ही आपने उसको चार्जिंग प्रोवाइड की है तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है वो उसी पोजीशन से, उसी प्लेस से जो है एग्जीक्यूट हुआ है। तो कहने का पर्पस ये है कि आपके जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आपके पास रैम जो है, टाइप ऑफ जो रैम है वो एम रैम यूज हो रही होती है। इट हैज ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ रैम। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एस रैम और डी रैम से जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, प्लस जो है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो एक्सेस टाइम होता है वो भी इसका फास्टर होता है एनी अदर रैम से। एंड इट रिटेन्स इट्स कंटेंट
व्हेन द पावर इज ऑफ रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। तो आपकी जो एम रैम है इसमें आपका डाटा जो है वो स्टोर रहता है, इवन आपका जो कंप्यूटर समटाइम्स अगर आपका शट डाउन हो जाता है तो भी आपका डाटा जो है वो एम रैम में सेव रहता है। तो आपके पास जो मैग्नेटो रेजिस्टिव रेंडम एक्सेस मेमोरी है, जो आपके पास एम रैम है, ये लॉन्ग लाइफ होती है, इसकी जो लाइफ टाइम होता है ये ज़्यादा होता है, इसका जो अंदर जो हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, नो नीड टू रिफ्रेश, आपको कॉन्टिन्यूसली जो है रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा होता अपने जो डाटा होता है उसको सेव रखने के लिए। आपके पास फास्टर है, आपके पास एम रैम, आपके पास जो एम रैम जो रैम की टाइप है ये फास्टर है, आपके प्रीवियस रैम से लार्जर इन साइज है, साइज में बड़ी है, फास्टर है बट एक्सपेंसिव भी है एंड लो पावर कंजम्पशन है, आपकी जो इसमें पावर कंजम्पशन हो रही होती है वो लेस हो रही होती है।